जब आपको कुछ समझ नहीं आए कि नाश्ता में क्या बनाएं, तब आप इस हेल्दी टेस्टी और क्विक रेसिपी को ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी हम लोग कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले ली हूँ, इसमें डाल देंगे 1.5 कप सूजी। मैं यहाँ पे बारीक वाली सूजी यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप इसको ग्राइंडर में एक बार ग्राइंड कर लें और उसको यूज करें। इसके साथ यहाँ पे डाल देंगे 3/4 कप दही, ये प्लेन दही है, आप इसमें मीठा या बहुत ज्यादा खट्टा दही ना यूज करें। फिर इसमें डाल देंगे 3/4 कप पानी। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए मैं सारी चीजों को मिला ली हूँ और सूजी काफी गाढ़ी लग रही है, तो इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो ये देखिए मैं सारी चीजों को अच्छे से मिला दी हूँ, अब इसको कवर करेंगे। कवर करके 10 मिनट तक का रेस्ट देंगे ताकि सूजी थोड़ा फूल जाए। 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और इसको मिलाएंगे। तो ये देखिए सूजी पानी को काफी अब्सॉर्ब कर लिया है और सूजी पहले से काफी गाढ़ी हो गई है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा और पानी और इसको अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए सूजी का बैटर जो है वो बन गया है। आप चाहे तो इसको इसी तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा हेल्दी बना रही हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ सब्जियाँ डालूंगी। तो सब्जियों में सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप कटा हुआ प्याज, 1/4 कप घिसा हुआ गाजर, साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून बीन्स की, और इन सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए मैं सारी चीजों को अच्छे से मिला दी हूँ, अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए मैं सारी चीजों को अच्छे से मिला दी हूँ। अब अप्पे को फुला फुला बनाने के लिए इसमें डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का। इनो को एक्टिवेट करने के लिए इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी और इन सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए मैं बैटर को अच्छे से मिला ली हूँ और पहले से ये काफी फ्लफी हो गई है, अब इसको फटाफट से हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए मैं पहले से अप्पे पैन को गर्म करके रखी हूँ, इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच तेल और इसको ब्रश की मदद से इस तरह से तेल को फैला लेंगे। अब इस तरह से बैटर को इसमें डालेंगे। तो ये देखिए मैं सारे अप्पे को डाल रही हूँ, अब इसको कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2-3 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और इस तरह से एक एक करके सारे अप्पे को पलट देंगे। तो ये देखिए मैं सारे अप्पे को पलट दी हूँ, अब इसके ऊपर थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि सूजी अच्छे से थोड़ा पक जाए। तो ये देखिए अप्पे दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं, सीख गए हैं, अब इसको निकाल लेंगे। आप चाहे तो अप्पे को इस तरह से ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या तो फिर इसे थोड़ा मजेदार बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई को गर्म की हूँ, इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच तेल। तेल के गर्म हो जाते ही इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच सरसों या राई। सरसों जब थोड़ा चटकने लगे तब इसमें डाल देंगे 6 से 7 कटी हुई लहसुन की कलियां और एक हरी मिर्च कटी हुई, और इसको 10 सेकंड के लिए पका लेंगे। लहसुन जब थोड़ा सा पक जाए तब इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज, तो मैं यहाँ पे 1 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से स्लाइसेस में काट के डाल दी हूँ। फिर इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का कैप्सिकम, कैप्सिकम को भी मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। अब इन सारी चीजों को मिला के 1/2 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। फिर इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच टमाटो केचप, साथ ही इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और सब्जियों के साथ सॉस को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए मैं सब्जियों के साथ सॉस को अच्छे से पका ली हूँ, अब इसमें डाल देंगे हमने जो अप्पे बना के रखा था उसको, और इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे ताकि अप्पे के ऊपर सॉस और सब्जियां अच्छे से कोट हो जाए। आप एक बार इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी और बच्चों को तो खास बहुत पसंद आएगी। तो ये सर्व करने के लिए तैयार है, तो इसे हम लोग अब सर्व कर लेंगे। तो सर्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट ले ली हूँ, इसमें इस तरह से अप्पे को निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना कलरफुल और कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इस तरह से आप इसको सर्व करें। आप चाहे तो इसे इस तरह से चिली बना के सर्व कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इस तरह से इसको सूखा सर्व करें जैसे हमने पहले बना के रखा था। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से निकाल ली हूँ और इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।